Okay, so let's start the next topic. Interest rates. AC चला दो, फिर AC मत लगाओ. Thank you. So interest rates. अब मेरा बात समझना, जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में जब जाते हैं तो सारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक साल का नहीं होता है, वो एक महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना. और जरूरी नहीं कि खाली ऐसा प्रोडक्ट मिले जहां पर आप आज पैसा रख रहे हो आपको सर्टेन टाइम के बाद में पैसा मिलेगा. ऐसा भी होता है कि आप आज एक लमसम रख रहे हो और आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, या फिर मतलब ऐसा कंपाउंडिंग का और डिस्काउंटिंग का प्रोडक्ट दोनों टाइप का आपको बैंक में मिल सकता है. आज जैसे लोन में क्या होता है, लोन में बैंक में तो पैसा देता है और हम थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो हम जो थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हैं सबको टानेंगे तो लोन का अमाउंट आएगा. क्योंकि आज मेरे पास में 1 करोड़ रुपए नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बोल के मैं बैंक के पास जाता हूं फाइनेंस के लिए, समझ आ रहा है? और बैंक उसमें ब्याज चार्ज करता है. तो मेरे को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट दे दे, मेरे को कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट और या फिर डिस्काउंट रेट निकालना आना चाहिए. ये अभी हमारा एजेंडा है, ठीक है? चलिए सुनिए. तो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने आपको क्या एग्जांपल लिया था, ये 0 है, ये टाइम 2 है, यहां मैंने 100 रुपया लगाया 10%. अब से जो भी कुछ मैं बोलूंगा मतलब कंपाउंड, कहीं सिंपल होगा तो मैं बोल दूंगा. तो 100 को 2 साल आगे लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे, 100 × 1.1 × 1.1, ये मेरा 1.1 क्या है, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर. तो यहां पर क्या आएगा, अमाउंट निकालना. मैंने समझ रहा है, अगर ब्याज का रेट 10% है तो मेरा 1 साल का फैक्टर क्या बनेगा, 1+i. 1+i, तो 1+i का मतलब क्या होता है, 1.1. 2 साल का मेरा फैक्टर क्या बनेगा, 1.1 का स्क्वायर. 5 साल का, 10 साल का, 1.1 to the power 10. ठीक है, यही अगर 1 साल पीछे लेके आना होता तो 1/1.1, 2 साल पीछे लेके आना होता 1/1.1 का, 3 साल पीछे लेके आना होता 1/1.1 का, 5 साल पीछे लेके आना होता 1/1.1 to the power 5. समझ रहे? हाँ, अच्छा. तो अब ये जो है यहां पर कितना आ जाएगा, 121, करेक्ट है? तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है? अब समझना एक और चीज. मान लो मैं SBI बैंक में गया, वो लोग मेरे को बोले सर आप 100 रुपए दीजिए, मैं आपको 3% का ब्याज दूंगा पर हाफ ईयर. मैं आपको 3% का ब्याज दूंगा पर हाफ ईयर. मेरा बात ध्यान सुनो मेरे प्यारे सहपति, तो 3% पर हाफ ईयर बोल रहा है. तो पहला हाफ ईयर बीत गया तो 103 होगा, दूसरा हाफ ईयर बीत गया तो 103, 3 × 0.5 बोलो ना, हाँ. तो टोटल कितना निकल के आया, 106.09. इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3% आधे साल का, 6% 1 साल का सेव नहीं, 3% आधे साल का इज इक्वल टू 6.09% 1 साल. मैंने 3% आधे साल का एंड 6.09% 1 साल का, दोनों क्या है, 3% आधे साल का एंड 6.09% 1 साल का, दोनों क्या है. यही कहीं एक और बैंक है, एक्सिस बैंक. मैं एक्सिस बैंक में गया, 100 at the rate 6.09% per annum. अब क्या होगा,
दोनों सेम हो गया ना, 3% पर हाफ ईयर इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब हाथ में जो मिल रहा है इज इक्विवेलेंट टू 6.09% पर एनम इफेक्टिव है, नॉट 6% इज अ लेमैन टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्स रेट, नॉमिनल रेट, एनुअल रेट जो कि जबरदस्ती लाया गया। जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, क्या एग्जैक्टली मिल रहा है, नहीं एग्जैक्टली कितना मिल रहा है, एक मिनट, You have got it. 3% per half year effective is annually approximately 6% and annually effective 6.09%. How to get this? Calculator निकालो. एक half year का accumulation factor is 1.03. दो half year का accumulation factor is 1.03 का square. तो 1.0609 minus 1, 0.0609. मेरे पास समझ में आ रहा है? हाँ, ये मैंने दिखा के किया है, ये कॉपी कर लेना, बट रुको, इतना पैसा दिया, क्यों? तुमने का पैसा था, कॉपी ये सब तो घर पे भी कर सकते हैं, ड्राइव चेक करना, सारा कॉपी का नोट्स वगैरह सब दिया हुआ है, यहाँ सुन के जाओ, खून में बसना चाहिए, तो ऐसा कभी भी कोई पूछ ले तो दिमाग में बैठा लो इसको, ठीक है? अब से घर में कभी बात हो, कभी लोन वगैरह का बात हो, जब पापा मम्मी बोले बेटा घर के रूम के बाहर जाना, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, पॉकेट मनी, इज्जतें सब डबल, समझ रहे, इज्जतें मिलना चालू हो जाए घर में, फिर कोई भी केस आएगा ना इससे पूछ लीजिए बस, फिर देखो चौड़ में घूमोगे एकदम पूरा। जब भी हम जब कर रहे थे तो मेरा ये वाला पेपर क्लियर हो गया था, दुबई से फोन आया था भैया के पेपर का, पर एक ये करेगी वो, हम बोला ठीक है रुके कैलकुलेट करके बता, आंसर इजी था वो तो मुझे मानी कर दिए थे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है, अब एक सुनो एक और, अब जैसे मान लो अगर हर क्वार्टर अगर 2% इफेक्टिव मिल रहा है तो एक क्वार्टर का एक्युमुलेशन फैक्टर क्या होगा, एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, 2% होगा, एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर कितना होगा, 2% होगा, दो क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, 1.02 का स्क्वायर, तीन क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, 1.02 to the power 3, एंड चार क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, 1.02 to the power 4। एक मिनट, क्वार्टरली 2%, एक साल में चार क्वार्टर, तो एनुअली अप्रोक्सीमेटली कितना, 2 × 4 = 8%, बट दैट इज एनुअली अप्रोक्सीमेट, क्या वो एनुअल इफेक्टिव रेट है, नहीं, एनुअल इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, 1.02 to the power 4 माइनस 1, कितना आ रहा था, 8.24%, 8.24% is the current answer. अभी चीज समझा, पूरा गेम समझा क्या हो रहा है, हाँ, 2% per quarter effective is 8.24% per annum effective and annually approximately it is 8%. तो क्या 8% को यूज करके कैलकुलेशन करते, नहीं, कभी नहीं, क्यों, हिसाब अरबों खरबों trillions of dollars में है, वहां पर अगर पॉइंट में भी गलती हो गई तो सुन कितना कहने लगेगा, मैंने काम किया है, प्याज आता है हजारों करोड़ का, अब सोचो उसमें अगर 0.00 में भी फर्क आएगा और अगर वो मेरे को मिल जाए तो क्या मैं पढ़ाऊंगा और नहीं, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन है तुम लोगों से पूछते सर कितना डेसिमल ले, कितना आ रहा है, 5 से 6 डेसिमल प्लेस तक लेके काम करो, ठीक है? ओके, तो ये ना कॉपी कर लीजिए, पर ना 8.24 पे कैसे अराइव किए, 1.02
टू दी पावर फोर माइनस वन. तो दैट्स एनुअल इफेक्टिव थिंग. यस आई 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 राइट ऑन. प्रैक्टिस क्लास सब घर से होगा ठीक है, तो लैपटॉप लेके बैठना, वहीं पर आपका टाइपिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा. वरुण जी मेरे को 10 मिनट का टाइम दीजिएगा. सुनो कॉपी हो गया एला, पहले कुछ नोटेशंस लिखो. I is equal to संसर्ग लिखना चालू करना. Annual effective rate of interest. I two by two. मैंने I के ऊपर में टू है ब्रैकेट है और डिवाइड में टू है. Half yearly effective rate of interest. I four by four. Quarterly effective rate of interest. एक साल को दो भाग में काटेंगे तो हाफ ईयर मिलेगा, चार भाग में काटेंगे तो क्वार्टर मिलेगा, 12 भाग में काटेंगे तो मंथ्स मिलेगा. एंड 365 बाय 365 तो क्या मिलेगा, डेली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, अब मेरा बात सुनो. अब अगर हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो आई टू बाई टू क्या था, 0.03. पहला वाला एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो मेरा आई टू क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए लिखना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर कन्वर्टिबल रेट्स. नॉमिनल का मतलब क्या होता है, एनुअल अप्रोक्सीमेट रेट्स. यहां तक लिखा, अब इसके नीचे हेडिंग लगाना एक बार, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हेडिंग लगा के लिखो, दीज आर एनुअली approximate rates. These are annually approximate rates. They can be easily converted to effective rates of interest.
they cannot be used for calculation purposes. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना आईफोन, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल क्वार्टरली. तो कन्वर्टिबल क्वार्टरली है ना, तो अब जैसे मान लो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दे देगा That I4 is equal to 0.08. हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, I4 by 4 is 0.02. और ये I4 by 4 क्या है, ये एक क्वार्टर का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो एक क्वार्टर का जो अक्यूमुलेशन फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस आई फोर बाय फोर. ये क्या लिख लो, 1 क्वार्टर अक्यूमुलेशन फैक्टर. तो अगर मान लो मेरे को एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर बनाना है तो हम लोग करेंगे 1 प्लस आई फोर बाय फोर होल टू द पावर 4. दिस इज 1 ईयर अक्यूमुलेशन फैक्टर. सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं 1 प्लस आई मेरा क्या हो जाएगा, 1 ईयर अक्यूमुलेशन फैक्टर. एंड 1 ईयर अक्यूमुलेशन फैक्टर को 1 ईयर अक्यूमुलेशन फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई इज 1 प्लस आई 4 बाय 4 होल टू द पावर. तो आई मेरा क्या आ जाएगा, 1.02 टू द पावर 4 माइनस 1. क्लियर है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, बोल भाई तुम बोल, बोल ये वाला क्लियर है. इसका जो जनरल फॉर्म बनता है वो पता है क्या बनता है, 1 प्लस आई पी बाय पी होल टू द पावर पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई. सिमिलरली हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के लिए भी बोल सकते हैं, 1 माइनस डी, 1 माइनस डी पी बाय पी होल टू द पावर पी. एक साल का जो अक्यूमुलेशन फैक्टर होता है वो 1 बाय एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है. तो हम लोग मोस्ट जनरल फॉर्म क्या बना सकते हैं, 1 प्लस आई पी बाय पी होल टू द पावर पी is 1 by 1 minus dp by p whole to the power p. और ये दोनों p not necessarily same. ठीक है, ये p क्या है, frequency of compounding and discounting. जरूरी नहीं है कि ये i वाला p और d वाला p दोनों same हो. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ. इसको देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम तो कहीं बैठा है एक जगह, इतना छटपटा क्यों रहा है, आराम से पक्का. अब मेरे लिए काम करो, जैसे मान लो अगर मेरे को आई दिया हुआ है 5%, मेरे को निकालना है I2, सब लोग कैलकुलेटर निकाल लेंगे, I4, I12, ठीक है. तो कैसे करेंगे ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, 1 प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस I2
बाय टू का स्क्वायर, तो 1.05 टू दी पावर हाफ, हाफ समझा कैसे आ रहा है, माइनस वन होल इनटू टू इज इक्वल टू आई टू, मैंने पहले ये टू इधर जाएगा तो हाफ, फिर माइनस वन, फिर पूरा में इंटू टू। सॉल्व करिए इसको। सिमिलरली आई फोर के लिए हम लोग बोल सकते हैं 1.05 टू दी पावर 1 बाय 4 माइनस 1 होल इंटू, आई 12 के लिए हम लोग बोल सकते हैं 1.05 टू दी पावर 1 बाय 12 माइनस 1 होल इंटू 12। सॉल्व करिए इसको। इसके बाद में आप लोग को निकालना है V, D, D2, D4 एंड D12। ट्राई करिए खुद से, पहले खुद से ट्राई करिए।
कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको ध्यान देना। अब जैसे ये मेरा आया ना, अब नेक्स्ट मेरे को वी निकालना था, तो वी कैसे निकालेंगे, 1/1.05। डी कैसे निकालेंगे, 0.05/1. फिर नेक्स्ट हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 - d2/2 का स्क्वायर इज 1/ बोलो, वन ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर। अब इसको सॉल्व करिए, सो 1 - d2/2 इज इक्वल टू 1 + i^-2। आई का वैल्यू डालिए, इधर लेके आइए और इसको सॉल्व करिए। क्लियर है ये वाला चीज? सिमिलरली हम लोग इसमें अगर हम लोग फाइनल इसको बनाएंगे तो ये आएगा 1 - 1.05 - 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू d2। दोबारा से, ठीक है चलो दूसरा में करेंगे इसको। अब जैसे मान लो अगर हम लोग को d4 निकालना है, 1 - d4/4, ये मेरा क्या है, 1/4 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 2^4 करेंगे तो 1 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 + i करेंगे तो मेरा इक्वेट हो गया 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर और 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/। तो डालो इसमें 1 - d4/4 1 + 0.05 - 1/4, 1 - 1.05 - 1/4 whole into 4 इज इक्वल टू डी। सिमिलरली अगर मेरे को d12 निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, d12 इज इक्वल टू 1 - 1.05 - 1/12 whole into 12। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरे को सिर्फ यस और नो में बताएंगे, यस और नो। ठीक है, हाँ ओके। तो चलो अब हम लोग को जैसे मान लो i4 दिया हुआ है 8%, हम लोग को d2 निकालने बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग 1 + i^4/4, ये 1 + i^4/4 क्या है, 1/4 का अक्यूमुलेशन फैक्टर 2^4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर 1/1 - d2/2। क्लियर है? तो ये मेरा 1/ में क्या है, नीचे में क्या है बताओ, 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड गोल्डन रूल क्या बोलता है, अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1/ डिस्काउंटिंग फैक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, सो 1 + 0.08/4 whole to the power 4 इज इक्वल टू 1/1 - d2/2 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, 1 - d2/2 इज इक्वल टू 1.02 - 4। तो फाइनली हम लोग का क्या एक्सप्रेशन आएगा, 1 - 1.02 - 4 whole into 2। ना गलत है, ये होगा, तो यहां पर आएगा, ये गलत है, यहां पर आएगा
1.02 टू द पावर माइनस 4 बाय 2 1 माइनस दिस होल इनटू 2. अब बताओ कितना आ रहा है d2. अब ये सही है, इसमें कोई गलती है? 0.0776 बोलो. ठीक है, ठीक है. अगर इसमें हम लोग को फुल स्टेप देखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 1 माइनस डी टू बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 1 प्लस आई 4 बाय 4 होल टू द पावर 4. सो 1 माइनस डी टू बाय 2 1.02 टू द पावर माइनस 4 बाय 2 which is 1.02 to the power minus 2. तो क्या आएगा? 1 minus 1.02 to the power minus 2 into 2 is d2. हाँ बोलो वरुण. हाँ सर, जैसे इसमें कैलकुलेटर में जो हम सब वैल्यू प्लेस करेंगे तो पूरा फुल राउंडिंग ऑफ मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, 6 या 7 डेसिमल प्लेस? हाँ, 5 to 6 डेसिमल प्लेस. और मतलब अब जैसे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी फाइनल आंसर होगा वो मतलब पूरा वो फुल जो वैल्यू होती है उसका उसके बेसिस पे होता है कि मतलब जैसे कभी कभी अब यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट में तो फिर ऐसा होगा ना कि अगर कोई 4 डेसिमल प्लेस मिलेगा, कोई 6 मिलेगा तो फिर वो आंसर में बड़ा फर्क आ जाएगा. नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब 5 to 6 डेसिमल प्लेस लेके करिए. ठीक है, ठीक है. यस बोलो. ये पहला बार तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, और जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस दिखाएंगे. ये एक टाइप का भी बेसिक क्लास चल रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स. टाइपिंग में क्या आएगा वो आपको पूरा सिखाएंगे, बट अभी के लिए आपको पूरा ही टाइप. टाइपिंग का स्पीड मैटर्स. हाँ, सारा स्टेप दिखाना है, स्टेप जब नहीं कर सकते. ठीक है, अब नेक्स्ट आइएगा. मान लीजिए हम लोग को आई 4 दिया हुआ है, या फिर मान लो हम लोग को ये दिया हुआ है आई 3 9% दिया. व्हाट इज आई 3? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल 4 मंथली. एक साल को 3 भाग में काटेंगे तो 4 महीना, 4 भाग में काटेंगे तो 3 महीना. एक साल में 3 महीना होता है, 3 4 महीना होता है. यहां से हम लोग को निकालना है आई. तो अब हम लोग इक्वेशन क्या बनाएंगे, 1 plus i3 by 3. ये क्या है? अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 4 मंथ्स. टू द पावर 3 करेंगे तो अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर, दिस इज इक्वल टू 1 plus i. सो 1 plus 0.09 by 3 होल टू द पावर इज इक्वल टू 1 plus i. सो 1.03 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू i.
अब जैसे मान लो हम लोग को डी टू दिया हुआ है 8%, यहां से हम लोग को निकालना है डी, तो 1 माइनस डी टू बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डी। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 0.08/2 का स्क्वायर इज 1 माइनस डी। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.04 बोलिए। एक होता है लिखना बाइनियल I 0.5, इसका मतलब क्या पता है, हर 2 साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा। हर 2 साल में 1 टाइम कंपाउंडिंग। इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस I 0.5/0.5 होल टू द पावर, माने 1 साल आधा है तो पूरा क्या है 2 साल, 1 साल आधा है ना तो पूरा क्या है 2 साल। क्लियर है? अब जैसे मान लो मेरे को I 0.5 दिया हुआ है 20%, तुम लोग यहां से आई निकाल के बताओ। हाँ हाँ ठीक
सो बेसिकली आई 0.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल टू ईयरली, ये हो गया बाई ईयर। और एक होता है बाई एनुअली, बाई एनुअली का मतलब क्या है, एक साल में दो बार। बाई नियर का मतलब क्या है, दो साल में एक बार कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था अपना? हाँ यस वरुण, तो सर फाइनली जैसे क्वेश्चन जो होगा आगे जो कैश फ्लो की जो भी डिस्काउंटिंग होगी वो आई से ही करेंगे ना हम? ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, आप कोई भी रेट से कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ आई 0.5 इज 20%, तो आई 0.5 बाय 0.5 इज 10%, है कि नहीं? आई 0.5 बाय 0.5 कितना हो गया, 10% हो गया। सो बेसिकली ये मेरा क्या है, सॉरी एक मिनट, तो बेसिकली अगर मान लो अब मेरे को दो साल डिस्काउंट करना है तो मैं यही वाला रेट यूज करूंगा। बट इसको मैं यूज जनरली कैश फ्लो में कैसे करूंगा, दो साल चार साल, तो कर तो मैं सकता हूं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज दिस, 1 + i 0.5 / 0.5, ये क्या है? पहले ये सोचो i 0.5 / 0.5 ये क्या है, आई 0.5 / 0.5 ये क्या है, पहले ये सोचो। ये है टू ईयरली इफेक्टिव रेट, ये है टू ईयरली इफेक्टिव रेट। तो अगर मैं 0.5 लगाता हूं, अभी क्या हो गया, वन ईयर का इफेक्टिव नहीं रेट नहीं हो गया ये 1 + i 0.5। एक मिनट, समझो, इसको समझो, आई
0.5 बाय 0.5, ये मेरा हो गया 2 ईयर का इफेक्टिव रेट। 1 प्लस आई 0.5 बाय 0.5, अब ये मेरा क्या हो गया 2 ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर। यही जब मैं पावर पे 0.5 लगा दूंगा तो 1 ईयर का अक्यूमुलेशन फैक्टर बन गया। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ये रेट को यूज करना है, तो 1 प्लस आई 0.5 बाय 0.5 होल टू द पावर 0.5, ये मेरा क्या हो गया 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर, तो 9 साल का निकालना है। क्लियर है वरुण? हाँ, और अगर ये डिस्काउंटिंग करना हो तो 1 बाय वो करके। ठीक है, वो पूछ रहा है अगर इसी को हम लोग को डिस्काउंट करना होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय, हाँ कि ना, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ, सिमिलरली 4 ईयर का क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 5 ईयर का क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अगर कभी कोई राह चलते तुम लोग से पूछ ले कि 1 प्लस आई 0.2 बाय 0.2, तो ये क्या है मेरा, दिस इज दी अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 5 ईयर। आई मेरे को दिया हुआ 10%, आई 0.5 कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन बनाएंगे, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई 0.5 बाय होल टू द पावर। सॉल्व करिए इसको, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0.5 इज आई 0.5। यस निशिका बोलिए। सर ये जो अपने 0.2 वाला है ना, वो मेरे को समझ नहीं, कुछ नहीं है बेटा, आप समझो, आप 1 ईयर को 0.2 कंसिडर करो। इफ 1 ईयर इज 20%, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहां पर 20% ऑफ द स्टडीज गेट कंप्लीटेड इन 1 ईयर, सो व्हेन विल योर फुल स्टडीज गेट कंप्लीटेड, 5 ईयर्स, लाइक 1 साल 20% है, तो 100% क्या होगा। ठीक है, माइंड को फ्री रखो अपना, कभी भी कोई बंधन में मत बंधना। कॉलेज में गए हो नए नए, अभी तो कोई बंधन में मत बन जाना, फ्री रहो। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। शुरू दिन में तुम्हें जो मैंने देखा नहीं, नो, स्टे कमिटेड, स्टे फोकस, ओके। सर ये जो ब्रैकेट में हम 0.5 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि पूरे साल भर में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है? वैसे नहीं होता, ये नोटेशन है, मतलब 2 साल में एक बार हो रहा है, मतलब सिर्फ, मतलब अगर हम आई, वैसे नहीं होता, ये तरीका है पहचानने का। आज रेट का आपको बोलता हूँ 8%, तो वो 8% क्या चीज का है, क्या वो 6 महीने का है, 2 साल का है, 3 महीने का है, क्या है, तो उस तरीके से पहचानने का तरीका है, वेयर वी कंसिडर 1 ईयर टू बी 1। आप समझ रहे हो, ये सब अलग अलग नोटेशन है, ये बनाया गया है कि हम लोग पहचान सके। ठीक है, यस ईशा। सर ये ऊपर 5 ईयर वाला नहीं समझ में आ रहा। हाँ श्योर, आज जैसे समझो मैंने ये बनाया 1 प्लस आई 0.2 बाय 0.2, इसका मतलब क्या है, 5 साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा, आई 0.2 बाय 0.2 इज 5 ईयरली इफेक्टिव रेट। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, घर में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लैंड ओनर के साथ में कि रेंट रिवाइज होगा हर 5 साल में एक बार 20% से, हर 5 साल में एक बार रेंट रिवाइज होगा कितना से, 20% से, तो बेसिकली आई 0.2 बाय 0.2 वहां पर क्या हो जाएगा, 5 ईयरली इफेक्टिव रेट है ना 20%, सुनर, जहां 5 साल में एक बार होगा चीज। और एक चीज में क्या होता है,
बोले थोड़ा डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं, ऐसे मेंशन करेगा 4% पर एनम, बट इंक्रीज विल टेक प्लेस वंस इन 5 ईयर। की समझना, थोड़ा डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं, 4% पर एनम बोला है बट इंक्रीज विल टेक प्लेस वंस इन 5 ईयर्स। तो जब इंक्रीज होगा तो 1.04 का नहीं होगा, इंक्रीज जब होगा तो कितने का होगा? प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है भाई, हम लोग क्या बोलते हैं, हर 3-3 महीना में रेंट रिवाइज को, समझ रहे? तो हर मान लो वो बोलता है भाई हर 3 महीना में हम 15% से रेंट बढ़ाएंगे, ऑन एवरेज 5% का अगर पकड़ेंगे, 4 से 5% पकड़ोगे तो एक हो गया 15%। तो अगर वो हर तीन साल में एक बार रेंट इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज व्हाट, 3 ईयरली रेट ना। बट अगर वो ये बोलता है कि हम 4% पर एनम के हिसाब से रिवाइज करेंगे बट रिविजन करेंगे हर 5 साल में एक बार, तो जब बढ़ाएंगे हम लोग रेंट, अभी मान लो मेरा रेंट है 1 लाख, तो 5 साल बाद मेरा रेंट कितना हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज सॉल्व करो। आई हम लोग को दिया हुआ 12%, आप लोग कैलकुलेट करो वी डी, आई टू, आई फोर, आई ट्वेल्व, आई थ्री, डी टू, डी फोर, डी ट्वेल्व, डी 365। चालू करिए, मेरे तरफ देखो एक बार, एक बार मेरी तरफ देखो, ठीक है? तुम लोग को जैसे हमने लाइव क्लास का आयोजन किया, बट मैं आपसे एकदम घर की तरह बात करता हूँ कि 100% ऑफ द कोर्स मेरे लिए लाइव कराना पॉसिबल नहीं, ठीक है? क्योंकि 250 घंटे लगते हैं एक बार पूरा कोर्स को विद रिविजन अच्छे से कराने के। तो हमने ये सोचा, पहले हम लोग कैसे कराते थे कि भाई किसी बच्चे का कुछ छूट गया, किसी बच्चे का कुछ छूट गया लाइन में, राइट? तो कभी सुबह रख दिया क्लास, कभी शाम को, तो उससे क्या होता है बच्चा इनकंसिस्टेंट रहता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई मान लो मैं पहला क्लास इस टाइम पे रख रहा हूँ एंड सेकंड क्लास में शाम को रख रहा हूँ, मैंने आपको कहा बैकअप स्टूडेंट से मैं कंप्लीट किया क्यों ऐसा कर रहे हो, एंड थर्ड क्लास मैंने आपके टाइम के हिसाब से रखा, बट दिस टाइम वी हैव प्लान्ड समथिंग डिफरेंट, जो भी क्लास होगा वो सब लोग लाइव अटेंड करेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो वी आर कवरिंग अ मेजर चंक टुडे, there will be practice sessions 2 times, same चीज का 2 बार क्लास होगा, it's a request कि आप लोग उसको अटेंड करो, and जो recorded में देखना होगा वो मैं आपको खुद से बोल दूंगा, बहुत कम चीजें ऐसे बोलूंगा, maybe 20-25% of the syllabus maximum, but जो 75% हो रहा है फिर अगर अगर हम लोग ये चीज देखेंगे, for example कि मेरे क्लास में धीरे धीरे करके 20-25 लोग आ रहे हैं ऑनलाइन में, 20-25 लोग, तो फिर आई विल ऑल्सो नॉट टेक दैट मच इंटरेस्ट। अगर मैं देखूंगा प्रैक्टिस क्लास में कोई नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसको बंद करवा दूंगा। अब चीज समझ रहे हो? सबको एज अ कलेक्टिव एफर्ट लेना है कि भाई हम लोग सब क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, 2 बार सेम चीज को लाइव कराना इज नॉट दैट मतलब इजी नहीं होता। एक चीज जो मैंने आज पढ़ाया है मेरे को दोबारा से उसको कराना पड़ रहा है, तो इसीलिए आप लोग सारा लाइव अटेंड करो, और जो रिकॉर्डेड मैंने आपको कैलकुलेटर का वीडियो देखने बोला, मैंने आपको एक्सेल का बेसिक देखने बोला, आप घर पे भी थोड़ा देखो, फिर जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं अलग अलग क्वेरी पूछ पाओ, ठीक है ना? आज जैसे एक्सेल बेसिस कराने में जहां हम लोग को 15 घंटा लगता है, वी हैव प्लान्ड कि भाई हम लोग नहीं 2 क्लास 2-3 घंटे का जो सेशन है वो हम लोग लाइव कराएंगे, बाकी हम लोग को टाइम देंगे कंप्लीट करने का, कुछ प्रॉब्लम हो जाए डाउट्स करें, एटलीस्ट आपका एक्सेल चालू होगा सम सब। वो बहुत जरूरी है कि एक्सेल और पेपर एकदम साथ साथ चले, आप समझ पा रहे हो? वीकली प्लान है, जैसे आप जो देखोगे कंपाइलर, तो कंपाइलर को हमने 12-13 सेक्शन में डिवाइड किया है। अभी अगर हम लोग देखेंगे दिसंबर तक हमारे पास 12-13 हफ्ता ही है, सो व्हाई डोंट वी प्लान 1 सेक्शन इन अ वीक, इट्स क्वाइट इजी, बट आपका साथ चाहिए होगा। कॉलेज जिसका भी एग्जाम चल रहा है, होने वाला है, कॉलेज के लिए भी अभी से पढ़ो, फिर उस समय तुम लोग क्या करोगे? जो कॉमन कंसर्न है मैं बता देता हूँ कि भाई 15 दिन मैं क्लास में नहीं आया, वैसे नहीं होता है, किसी के लिए भी क्लास 15-20 दिन नहीं रुकता है, मैं समझिए आप लोग, ठीक है? तो अभी से आप पढ़िए, ताकि क्या है उस समय भी आपका कॉलेज एग्जाम भी होगा, जो क्लासेज होगा वो आप अटेंड कर सकते हैं। आज किसी का कॉलेज एग्जाम होगा 9 से 12,
किसी का होगा शाम को 6 से 9, किसी का होगा दोपहर में, बट ऐसा वो नहीं बोल सकते कि सर मेरा क्लास नहीं है, क्योंकि हमने टाइमिंग ही वैसा रखा है, एक पूरा 6 के बाद में है और संडे को तो कोई एग्जाम होगा नहीं और प्रैक्टिस सेशन सुबह और रात को, तो कोई ना कोई टाइम तो अटेंड होगा ही होगा। तो आप ये समझो कि इसका अहमियत समझिए आप लोग, और ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मतलब हमने कराया है, हमने 3-3, 4-4 बैचेस कराए, बट हमने फर्स्ट, अगर ये सक्सेस होगा तो आगे भी हम लोग इसी पैटर्न में कंटिन्यू करेंगे। 3 months is enough for a paper, and all other things are noise. बाकी सब कुछ noise है, बात याद रखिएगा। जो भी कुछ बोल रहे कि हाँ बहुत टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने किया है, मैम ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं, एंड मेनी पीपल आर डूइंग इट। CP1 पहले एक सपना हुआ करता था, एक्चुअल प्रैक्टिस का पेपर, आज के दिन में बच्चा 2 महीना में करके इसको पास भी कर। तो बाकी सब कुछ नॉइज है, सीनियर से गाइडेंस लीजिए, बट देखिए कि वो आपको एनकरेज कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। डिफिकल्ट तो है, आज ये कोर्स करिए चाहे आप और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करिए, शुरू के पेपर्स में बहुत मेहनत करना जरूरी है, सारा डायनामिक्स आपको CM1 CS1 में ही समझ में आ जाए। आई लव टीचिंग हायर पेपर, बट आई नेवर, मतलब क्लियर होने के बावजूद भी मैं टाइम नहीं दे पाता वहां पर, क्योंकि मेरे को मेरा सारा टाइम आप लोग को देना पड़ता है, जो पेशेंस मेरे अंदर है वो किसी के अंदर में मैं डेवलप नहीं कर पाया था। सो दैट इज वाई आप समझो इस चीज को, एड आप अच्छा कर सकते। CM1 CS1 आर नॉट पेपर्स टू फेल, इट्स जस्ट वी आर नॉट हैविंग एडेक्वेट डिसिप्लिन। पेन हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्लास में आना है, बी रेगुलर। आज एक टॉपर बच्चा जो है जो सारे क्लासेस में आ रहा है, वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। इसे जो लेता सर सप्लीमेंट्स देते हैं, आपके पैसों से देते हैं, लेकिन आप तो यूज नहीं करते हो। आज हमने 6-6 mock रखे, कितने जन देंगे 6 mock? मेरे को पता है ये चीज कि भाई 500 बच्चे में 50 बच्चे भी नहीं देंगे। आप दीजिए ना, आप टाइम से अगर कंप्लीट करोगे तो आप हर चीज का यूज कर पाओगे। आप समझ रहे हो, आपके हाथ में टाइम रहेगा, आप हर चीज को एडिक्वेटली यूज कर पाएंगे, दैट इज द गोल। और शुरू का 1 साल बहुत क्रूशियल, प्लेन टेक ऑफ के टाइम पे ही क्रैश करता है। सर हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं तो जब उसमें टर्बुलेंस आता तो डर लगता है ना, हिल रहा है, कुछ हो जाए, नहीं कुछ, वहां कुछ नहीं होगा, या तो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग। तो वही चीज है, शुरू का 1 साल बहुत क्रूशियल है इस कोर्स में, अगर वो एक बार समझ में आ गया फिर और कोई पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसको बनाइए। सो वी जो है तो कैसे करेंगे, 1/1.12 टी कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.12/1.12 1 + i = 1 + i2/2 का स्क्वायर। सो 1.12 12% बोला है ना मैंने, टू दी पावर -1/2 ना गलत, 1.12 टू दी पावर 1/2 -1 होल इंटू 2 इज इक्वल टू आई टू। सिमिलरली सारा हम लोग यहां पर ऐसा निकालेंगे, वन माइनस डी टू बाय टू का स्क्वायर इज 1/1 + i। सो 1 - d2/2 इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर -1/2, 1 - 1.12 टू द पावर -1/2 होल इनटू 2 इज इक्वल टू d2। क्या करूं मैं, ऊपर नीचे,
यस जो है इज डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर वन ईयर, यस, एक साल का व्हाट डिस्काउंटिंग इज द फैक्टर, स्मॉल टी डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग T365 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1.12 टू द पावर -1/365 होल इनटू 365। सॉल्व करिए इसको। ठंडा लग रहा है वो, तुम इधर आ जाना। उसका किसी का रिमोट लेके फ्लैप ऊपर कर रहे हैं। What? Gracias.
चलो आया सर आंसर. नेक्स्ट पुट द हेडिंग फोर्स ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे लिख देना डेल्टा, इसका नोटेशन है. अब जैसे समझना, मैंने जब बोला कि भाई एक साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा, दो बार होगा, चार बार होगा, दस बार होगा, 365 टाइम्स होगा. कभी कभी क्या होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग होता है. जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपने अभी पैसा लगाया 10,000, दो सेकंड में आपका स्टॉक का भाव बढ़ा, आपने पैसा निकाल लिया. तो जो शेयर प्राइस होता है वो बहुत कंटिन्यूअसली चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. एक फोर्स मेरा पैसा को ग्रो होने पर मजबूर कर रहा है. यहां पर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पी है, दैट विल टेंड टू इंफिनिटी. P जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है, दैट विल टेंड टू इंफिनिटी. मतलब एक साल में बहुत बार कंपाउंडिंग हो रहा है और मेरे लिए वो टाइमलाइन पे प्लॉट करना इज नॉट फिजिबल. जैसे मान लो 10 साल का टाइम पीरियड है और जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो वीकली हो रहा है,
अगर वीकली कंपाउंडिंग हो रहा है, 10 साल का टाइम पीरियड और वीकली, तो एक साल में 52 वीक्स और 10 साल में 520 वीक्स, तो इससे बेटर आप उसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मान के ही चलेंगे एज ए अप्रोक्सीमेट मेजर। हर घंटा कंपाउंडिंग हो रहा है, हर मिनट कंपाउंडिंग हो रहा है, तो वो सब के केस में हम लोग सब में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बात आ जाते, डी में डी टू में बहुत फर्क है, डी टू में और डी फोर में फर्क कम हो जाएगा, फिर जब तुम डी ट्वेल्व और डी 365 निकालेगा तो वो डिफरेंस और कम हो जाएगा, मतलब वो जो डिफरेंस आ रहा है वो उतना ज्यादा मटीरियल नहीं है। आज से मान लो हम बोलते लार्ज सैंपल, तो लार्ज सैंपल क्या है, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन है? नहीं है, कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। लार्ज सैंपल तो 10,000 भी है, 20,000 भी है, 50,000 भी है, वो लार्ज सैंपल, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद में जा करके, आज जैसे डेसिमल के लिए कुछ दिन क्वेश्चन पूछा, तो डेसिमल में तुम 8 डेसिमल लो, तुम 10 डेसिमल लो, कि तुम 50 डेसिमल लो, तुम 50 ले सकता है, बट क्या वो फिजिबल है, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या वो टाइम इफेक्टिव है? नो, तो हम लोग को कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, लिमिटिंग फैक्टर लगाना पड़ता है, लिमिटिंग फैक्टर इज डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है बट हमको चीज नहीं चाहिए, सिंपल सा रूल क्या बोलता है, 1+i इज ई पावर डेल्टा, 1+i इज ई पावर डेल्टा, मतलब अगर एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना होगा डेल्टा से, तो हम लोग डालेंगे ई टू द पावर डेल्टा। कैसे पता चलेगा डेल्टा है? बोल देगा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक फोर्स मेरे फंड को ग्रो करने पे मजबूर कर रहा है, और वो कंटिन्यूअस फोर्स किस चीज का है? इंटरेस्ट का, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर एनईएफ का निकालेंगे ए 0 to n, तो ये मेरा हो जाएगा ई टू द पावर डेल्टा एन, बी 0 to n, तो ये मेरा हो जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा, क्योंकि 1 by accumulation factor is equal to discounting factor। एक फॉर्मूला मैं आप लोग को दिखा देता हूं, हम लोग ने यहां पर सीखा था 1+i, लिखना मत, लिखने का कोई दरकार नहीं, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज को रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं आता एग्जाम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहे। 1+i इज 1+ip बाय पी होल टू द पावर पी, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लिमिट पी टेंड्स टू इंफिनिटी, क्यों क्यों लिमिट पी टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। दोनों तरफ लगाऊंगा, दोनों तरफ लगाऊंगा, अब यहां पर तो पी है नहीं, एलएचएस में तो पी है नहीं, तो एलएचएस वाला क्या हो जाएगा, एलएचएस वाला तो पूरा बाहर आ जाएगा। आरएचएस वाला एक फॉर्मूला है, लिमिट बताओ क्या था, याद आ रहा है किसी को, बताओ, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1+x/n होल टू द पावर एन इज व्हाट, ई टू द पावर एक्स, याद आ रहा है सबको, ये लिमिट्स का फॉर्मूला है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1+x/n होल टू द पावर एन इज ई टू द पावर एक्स। अब इसको और इसको कंपेयर करो, n के जगह में क्या है p, तो यहां पर क्या आना चाहिए, e टू द पावर आई पी एंड p स्टेंडिंग टू व्हाट, इंफिनिटी, तो यहां पर क्या आएगा, e टू द पावर आई इंफिनिटी, एंड आई इंफिनिटी इज व्हाट, आई टू क्या, एक साल को दो भाग में काटेंगे, एंड आई इंफिनिटी क्या, एक साल को बहुत छोटे 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 भाग में काटेंगे, एंड आई इंफिनिटी ही मेरा क्या है, डेल्टा। कुछ लिखने का दरकार नहीं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जो मेरा पी है उसको इंफिनिटी में टेंड करा रहे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी में टेंड करा रहे। तो लिमिट पी टेंड्स टू इंफिनिटी 1+ip/p होल टू द पावर पी इज व्हाट, ई टू द पावर आई इंफिनिटी, विच इज आई इंफिनिटी, देखने में बहुत कंबर्सम लग रहा है, बोल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, डेल्टा। तो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर अगर डेल्टा दे देगा तो क्या होगा, बताओ, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर अगर डेल्टा दे देगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर अगर डेल्टा दे देगा तो ई टू द पावर डेल्टा। देखो ये कॉपी हुआ ना, ये वाला, ये कॉपी हुआ, एक समरी बनाए थे याद है आज के क्लास के स्टार्टिंग में, समरी में लास्ट में जाओ, समरी में लास्ट में जाके लिखो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जहां कंपाउंड डिस्काउंट था, कंपाउंड डिस्काउंट के नीचे जाके लिखो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट,
फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में अक्यूमुलेशन फैक्टर में लिखो ई टू द पावर डेल्टा एन, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में यहां पर लिखो ई टू द पावर डेल्टा एन, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर में लिखना ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन। डिस्काउंटिंग फैक्टर में लिखना ई टू द पावर माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इज इट क्लियर, यस और नो? कूल एवरीवन? ओके, कम ऑन, लेट्स रॉक। आप जैसे मान लो, समझ गया ना कहां जाके लिखना है, कहीं भी लिख दिया। एक समरी बनाया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट, उसके नीचे बड़ा भाई फोर्स ऑफ इंटरेस्ट e टू दी पावर डेल्टा एन, e टू दी पावर माइनस डेल्टा एन। ठीक है, आओ अब मेरा बात सुनना। मान लो i दिया हुआ है 8%, तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? क्या इक्वेशन बोलता है? 1.08 इज e टू दी पावर डेल्टा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ln 1.08 इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा। ठीक है, तो क्या आ रहा है बताओ? सिमिलरली डेल्टा दिया हुआ है 10%, तो i कैसे निकालेंगे? e टू दी पावर 0.1 माइनस 1 इज i। दोनों सॉल्व करके बताइए कितना कितना आ रहा है। 0.07 ना, 0.07696, और ये कितना आ रहा है बताओ? 0.105171। ठीक है, हुआ हाँ कि ना? बोलो ना, समझे? घर से खाना खा के आना, नाश्ता लेके आना, खाना लेके आना, पावर पैक क्लास होगा एकदम। अब लिमिट लिमिट नहीं होगा क्लास में, एकदम टाइम पास नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है टाइम 9 पे 4,500, तो कुछ बोल रहे हैं? ओके, सो मेरे को डेल्टा दे दिया ये लोग 7% पर एनम। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4,500 ई टू दी पावर माइनस 9 × 0.07 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। टू थ्री नाइन सिक्स आ रहा है सबका। श्योर, आपको 9 साल टालना है तो 9 ईयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस 9 डेल्टा, तो ई टू दी पावर माइनस 9 इंटू डेल्टा। डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एन ईयर्स इज ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एन। Well, in this, we have just put the formula which you have told, the values which we have put it in the formula. ठीक है, so अब जैसे मान लो मेरे को accumulated value निकालना है, delta दे दिया है मेरे को 12%। ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दे दिया है, एक्टिविटी निकालना टाइम 10 पे, और प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दिया है 3000, तो आप कैसे करेंगे? 3000 ई टू द पावर 0.12 इंटू 10।
ठीक है। ओके अब एक बात समझना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान का नेचर, इंसान, परिस्थिति, सब कुछ बदल जाता है, हालात। तो क्या ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी बदलेगा, राइट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिकल के टूवर्ड्स मूव कर रहे। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जब कोविड आया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, फिर जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट खत्म हो वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो अभी तक तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट था, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो अब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट को फंक्शन ऑफ टाइम बनाएंगे, मैंने टाइम जैसे जैसे ऊपर नीचे करेगा वैसे वैसे मेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, इसके एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। इसके नीचे लिखना, नाउ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट हैज बिकम अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो जैसे मान लो हम लोग को डेल्टा टी दे दिया है 0.02 प्लस 0.01 टी, 0.02 प्लस 0.01 टी, इसका मतलब क्या, जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे डेल्टा टी चेंज होगा। अब इस केस में कभी भी अगर मान लो मेरे को सम करना है, जैसे मान लो अगर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट सुनते जाओ एकदम, तो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम का फंक्शन बन गया। ठीक है, जैसे मान लो इसके पहले वाले केस में मेरे को अगर 2 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना था तो मैं क्या करूंगा, ए टू द पावर डेल्टा प्लस डेल्टा। मैंने जब डिस्क्रीट है तब क्या होगा, सम। जब कोई भी चीज मेरे को सम करना है, जब कोई भी चीज मेरे को सम करना है डिस्क्रीट रेंज में, मैं समेशन यूज करूंगा। जब कोई भी चीज मेरे को सम करना है कंटिन्यूअस रेंज में, मैं वहां पर इंटीग्रेशन यूज करूं। बहुत सिंपल है, ई के पावर में है, ई के पावर में कुछ नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल। देखो देखते जाओ, जैसे मान लो मेरे को निकालना है A025, मेरे को 5 साल का, क्या बोले इसके पहले, देखते जाओ, A025 मतलब 5 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है। मैं लिखा एक्सपोनेंशियल क्योंकि ई के पावर में, या तो e के पावर में लिखो या फिर exp लिख के नीचे लिखो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल कहां से कहां लेके जाना है, टाइम 0 से टाइम 5 में लेके जाना है। लेके जाने का जरिया क्या, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या दिया हुआ है, 0.02 प्लस 0.01 टी होल इंटू dt। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व इट, कम ऑन। अब देखो एक और चीज, यही मान लो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग को V025 निकालना था तो एक्सपोनेंशियल में एक माइनस आएगा, 0.05, 0.02 प्लस 0.01 टी होल इंटू dt। सॉल्व करिए इसको, ठीक
टी टू द पावर माइनस डेल्टा एन था ना, तो वो डेल्टा एन ही का समेशन था, डेल्टा प्लस डेल्टा डॉट डॉट एन टाइम्स, यही तो है मेरा डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की जगह में ये आ रहा है इंटीग्रेशन। कितना आ रहा है इसमें आंसर? 0.798516। ठीक है, वो मेरा एक्सप्रेशन सेम है, क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ भी दे रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन सेम है। अब चलो हम लोग ट्राई करते हैं निकालने का A228, मतलब टाइम टू पे जो पैसा उसको टाइम एट पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टू से टाइम एट, 0.02 प्लस 0.01 टी होल इनटू, सॉल्व करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है। सो एक्सपोनेंशियल 0.02 इंटू 8 माइनस 2 प्लस 0.005, 64 माइनस 4 कितना आ रहा है बताइए। जीरो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी का क्या हो, टी स्क्वायर बाई टू, 0.01 बाई 2 इज व्हाट, 0.005, एंड टी स्क्वायर भी 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो 64 माइनस 4 60। ट्राई करिए इसका निकालने का V3 से 10। सो एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम 10 पर जो पैसा उसको 3 पर लाएंगे, 0.02 प्लस 0.01 टी होल इनटू डीटी। हो गया क्या, बोलो डन? अरे ट्राई करो, डेल्टा टी हम लोग को दे दिया है 0.04 प्लस 0.02 टी, ठीक है, तो लोग निकालो V0 से 4। तो कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम 4 पे जो पैसा उसको 0 पे लाना है, 0.04 प्लस 0.02 टी होल इनटू डीटी। किसी को भी अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा है तो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट्स ये सब सबका वीडियोस रेडी है, ठीक है, प्लेयर पे आप लोगों को मिल जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन अगर हटेगा तो 0.04 फोर माइनस 0 माइनस 0.01 16 माइनस 0 यही होगा है ना, कितना आ रहा है इसमें, 0.72 614। और इसके पहले वाले में कितना आ रहा था, 0.55 1563, 0.55 1563। तो
आया इसका आंसर? आया सर टी स्क्वायर बाय टू नहीं होता है इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, के। तो 0.02 को मैंने 0.01 लिखा है ना, चेक कीजिए। ओके सर। डेल्टा टी हम लोग को दे दिया है 0.05 प्लस 0.001 टी, हम लोग को निकालना है वी 0 से 20। सो एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम 20 पे जो पैसा, उसको 0 पे लाना है। 0.05 प्लस 0.001 टी होल इंटू डी टी। सो एक्सपोनेंशियल माइनस 0.05 इंटू 20 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में ले लिए, प्लस 0.001 बाय 2, 20 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? सर यस कैन यू स्क्रोल अप अगेन। डन। ये लगवा बोलो। इसके बाद एक चीज निकालना, हम लोग को डेल्टा टी दे दिया है 0.05 प्लस 0.002 टी, तो ए 0 to 7 निकालना है। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 to 7 0.05 प्लस 0.002 टी टी, तो क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल 0.05 इंटू 7 प्लस 0.001 इंटू 7, 7 जा 49। इसके लिए एक और चीज निकालना, ये आज का लास्ट पार्ट होगा। ए 6 to 7, सो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 6 to 7 0.05 प्लस 0.002 टी होल इंटू डी टी। इसका कितना आ रहा है इसके ऊपर वाले का? 1.49 0 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
एक्सपोनेंशियल 0.05 into 1, बिकॉज 7 minus 6 is 1, प्लस 0.001 into 49 minus 36, ये ला बताइए कितना आ रहा है? 1.06 5027. अब एक मिनट रुको, जाना मत। A026 into A627 is what? A027. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? A026 is what? बताओ। 1.49034 by 1.065027. कितना आ रहा है लास्ट वाला? लास्ट वाला कितना आ रहा है बताइए? ये वाला कितना आ रहा है बताइए?
1.39 डन। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके पूछो, ऊपर स्क्रॉल कर दे। और ऊपर, हाँ यस वरुण सर, जो डेल्टा टी जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि इट शुड बी एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन का या कुछ। नहीं, कुछ भी हो सकता है, आगे और कॉम्प्लेक्स आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो आज मैंने कराया है इसको आप लोग को रिवाइज करना है, ठीक है, और क्लासेस अब शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सबको करना है। एक्चुअली क्या है, जो फैकल्टी असिस्टेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट है दे आर बिट बिजी इन दी फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर, तो उनका जो होगा हम लोग ग्रुप पे पूरा अपडेट कर देंगे, बट ये फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। आई गेस ये वाला वीक जो है उसमें थोड़ा सा क्लासेस उनका नहीं होगा, बट हम लोग ग्रुप में पूरा, आप लोग को शेड्यूल के हिसाब से ही क्लासेस करने हैं, जो नहीं होगा वो हम लोग ग्रुप में बता देंगे। हर क्लास के पहले इन्फॉर्म नहीं करेंगे आपसे कि क्लास है क्लास है क्लास है, जो नहीं होगा वो हम लोग डेफिनेटली बताएंगे कि नहीं है, ठीक है। और जो भी फैकल्टी असिस्ट का है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का है वो सब ऑनलाइन ही है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।